हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं इस्तेमा में। हम लोग बिल्डिंग से निकल गए, हम लोग जा रहे थे, फिर हम लोग सुपरफूड का मेन कैंपस में आ गए क्योंकि वहाँ कुछ साथी हमसे जुड़ने वाले थे। ये शफीक सर का गाड़ी आ रहा है तो हम निकल रहे हैं, साथ में राइस सर का भी गाड़ी है और सब मिल के हम निकल रहे हैं इस्तेमा के लिए। हमारे साथ शफीक सर है तो इस गाड़ी में शफीक सर और शदाब सर हैं, उस गाड़ी में हम जाने वाले हैं, इलियास सर, ओमिक सर, मैं और ये सारे सुपर फोर्टी का स्टूडेंट है। सुपर फोर्टी मेन कैंपस छोड़ के हम बाहर निकल रहे हैं और रवाना हो रहा है इस्तेमा के लिए। चलिए हम लोग आगे आ गए हैं इस्तेमा का। आज यहाँ से हमें एंट्री नहीं लेने दिया है, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हमें आगे लेने के लिए ज़रूरत होगा। रास्ते में देखते देखते जा रहे हैं, बहुत जहाँ हम हैं वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर्स है। सामने हमारा मोरना साहब चल रहा है और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं लगभग, एंट्री गेट दिखा रहे हैं। सामने राही सर हैं, अमित भाई है। अस्सलाम वालेकुम, आइए। अस्सलाम, आइए। ये मोरा झार इस्तेमा है, आप लोग का खुश आमदीद है। ये आज कल और परसों तक रहेगा। मंगल के दिन दुआ है, यानी 6 तारीख को फजर की नमाज के बाद बयान, उसके बाद दुआ। अब हम सब आगे बढ़ रहे हैं और जहां हमें जमात के लिए बैठना है वहां जा रहे हैं। उससे पहले हमने जमात के हिसाब से हमने एक अमीर बना लिया। अमीर वो होते हैं जिनका हिसाब से, मतलब जो टीम है वो लीड करते हैं उस टीम को, तो हमने शफीक सर को बना दिया वो सब मिलके, सबका इजाज़त का हिसाब से। और शफीक सर जो डायरेक्शन देंगे हम, अब उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यही जमात का रूल होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुका है। आज पहला दिन है इसका और हम लोग भी जा रहे हैं, फिर जाके देखते हैं आगे। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए हैं और उनका जो साथी है उनको बिठाने के लिए, उनको खाने के लिए ब्रेक टाइम में, ये अपने आपने बना लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक पहुँचे नहीं हैं। और उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं नज़ारा लोगों का। अब शफीक सर को एक पुराना स्टूडेंट मिल गया, शफीक सर उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं और बाद में हम इधर देख रहे हैं। और यहाँ एक चाचा जो है कुछ खाना बना रहा था, अभी यहाँ गोश्त बन रहा है शायद, और क्या खुशबू आ रहा है इसका, बहुत लाजवाब। अभी तक हमने पहुँचा नहीं जहाँ हमें बैठना है, अब पहुँचने वाले हैं। अब हम पहुँच गए उस जगह में जहाँ बैठ के बयान सुनना पड़ता है। देखिए आप लोग कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप बात सुन रहे लोगों का। अब हम कुछ रेस्ट करने के बाद हम आ गए होटल की तरफ, जहाँ होटल है और कुछ दुकान भी है, कुछ हमें खाने के लिए ख़रीदना है। मेरे साथ रही सर है और रही सर और मैं अपने अमीर का इजाज़त लेके हम कुछ ख़रीदने के लिए आए हैं। मेनली पानी का बोतल ख़रीदना था और कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना था, देखते हैं क्या मिलते हैं यहाँ। अब रही सर दुकानदार से बात कर रहे हैं, पानी का दाम पूछ रहे हैं। एक पेटी जो होते हैं पूरा 20 बोतल रहते हैं उसमें हाफ लीटर का, तो उनका प्राइस पूछ रहा था। अब आ गए फ्रूट्स का दुकान में, अब फ्रूट्स लेना भी है हमें। ये भैया जो है यहाँ इनके साथ राही सर बात कर रहे हैं और कुछ बात करने के बाद हो गया। अब हम फ्रूट्स में ऑरेंज ले रहे हैं। ऑरेंज का दाम अब मुझे याद नहीं है कितना लिया था, लेकिन हाँ ऑरेंज बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था और बहुत मीठा भी था। अभी तक ऑरेंज लेना ख़त्म नहीं हुआ। राही सर बहुत चुन चुन के ऑरेंज ले रहे हैं और अभी शायद ऑरेंज लेना ख़त्म हो गया। अब हमें जलेबी पसंद आया है, राही सर एक टेस्ट करके भी देख रहे हैं। अब राही सर बोल रहा है बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो हमने उसके आधा किलो या फिर मुझे याद नहीं था 1 किलो जलेबी लिए थे। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है मदरसा का बच्चे होंगे, ये सारे वहाँ इस्तेमा में ज्वाइन करने जा रहे हैं। देख पा रहे आप कितने लोग, मतलब लाखों के तदर में लोग आया था वहाँ। अमित भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पानी लेकर, शायद अभी ब्रेक टाइम चल रहा है, लोगों का खाना पीने के बारे में सब अरेंजमेंट चल रहा है। अभी बयान
थोड़ा रुका दिया गया क्योंकि अभी शायद जोहर का नमाज का टाइम हुआ था उस टाइम में, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कुछ दिनों के बाद कर रहा हूँ, लगभग बहुत दिनों के बाद है। और अभी नमाज के लिए लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं बड़ी बड़े मात्रे में, और ये हमारे सामने हमारा जो टीम है जो हम आए हैं वो सारे आए हैं अभी नमाज के लिए, सारे लाइन खड़े हो गए हैं और हम भी खड़े होंगे। बस उससे पहले हम देख लेते, इतना लोग एक साथ मैंने नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा लाइफ में, मतलब ऐसे फिल्मों में या फिर टीवी में पर्दे में तो देखे होंगे, देखा हुआ मैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लाइफ नहीं देखा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था जो अल्लाह की बात सुनने में, दिन की बात सुनने में इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, सच में बहुत एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा फील था हो रहा था ये। और क्या बोलूँ, मुझे मतलब इतना खुश नसीब हूँ मैं, जो इतना मैं अल्लाह को शुक्र गुजारता हूँ जो इतना अच्छे मौका मिला मुझे इसको देखने के। अभी मेरे सामने ईशान है और ईशान इलिया सर का बड़े बेटे हैं, वो बस इलिया सर, रही सर, अमिक भाई, ये सारे नमाज पढ़ने के बाद अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं और ये हम तैयारी कर रहे हैं। अब नमाज हो गया, जोहर का नमाज हो गया, अब नमाज के बाद मौलाना साहब का बातें सुन रहे हैं हम लोग, थोड़ा आप लोग भी सुनिए। दुनिया में पहुंचाते थे, हाँ। वो क्या थे, मोमिन भी थे, मुहाजिर भी थे, मुजाहिद भी थे, ईमान वाले भी थे और मुजाहिदा कोशिश करने वाले भी थे, मुहाजिर भी थे दीन के लिए घर छोड़ने वाले, और उनका नारा था मोमिन है, मुहाजिर है, मुजाहिद है, और मुतअल्लिम भी थे, मस्जिद नबी में जाते थे, अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर दीन सीखते थे, अस्हाबे सुफा के अलावा दीगर सहाबा भी, और घरों में जाते थे तो मुअल्लिम थे कि आज अल्लाह के दरबार की तरफ से, और बाजार में जाते थे तो मुबल्लिग थे, वहां भी लोगों को दावत थे। तो बैक वक्त सहाबा मोमिन थे, मुहाजिर थे, मुजाहिद थे, मुतअल्लिम थे, मुअल्लिम थे और मुबल्लिग थे। तो हमें भी ये बातें लेकर दुनिया में फैलना है। सैयदना उमर फारूक अल्लाह फरमाते हैं, तीन बातें अगर दुनिया में ना होती तो मैं अपने रब से जा मिलता, यानी जिंदगी पर मौत तो पसंद। अब मौलाना साहब का बातें ख़त्म हो गया है, आप कौन कौन लोग नेक्स्ट जमात के लिए, साथी के लिए, छः महीने के लिए, चार महीने के लिए या फिर 60 डेज के लिए जुड़ेगा, उन सबको खड़े किया गया। अब कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया गया, असर का नमाज होगा, हम सारे यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और शफीक सर हमारा अमीर है आज का तो सो गया है और सो के रेस्ट कर रहे हैं कुछ टाइम। अब हम यहाँ से थोड़ा बाहर जाएंगे, बाकी फ्रेश होके कुछ हल्का खाना खा के फिर हम आ जाएंगे, फिर असर का नमाज होंगे और फिर बयानबाजी शुरू होगा। और अब हम निकल चुके हैं बाहर इस्तेमार का जो वहाँ से, अब हम उस जगह में आ गए जहाँ हजाई वालों लोगों के लिए खाने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। देखिए वो लोग जो लाइन लगे हुए हैं ये सारे यहाँ खाने के लिए लाइन लगे हैं, यहाँ उनको खाना मिलेगा। अब हमें भूख लगी है तो हमने जो ख़रीदा था अब हम खाने वाले हैं। अब रात हो गया है, इशार का नमाज होगा और नमाज पढ़ने के बाद हम लोग फिर आज के लिए हजाई लौट जाएंगे जहाँ से हम आए थे। अब हम नेक्स्ट दिन आ गए, फिर नेक्स्ट दिन आते आते हमारा शाम हो गया था लगभग, ये नेक्स्ट दूसरा दिन है, हम लोग लेट कर दिए थे, कुछ क्लासेस था हमारा, फिर सारे फैकल्टी के साथ जुड़े, फिर रात रात हो गया, और आज आते हुए हमें मगरिब के नमाज नहीं मिला, यहाँ रास्ते में हमने पढ़ लिया था मगरिब का नमाज, बच्चे यहाँ से हम इशार का नमाज पढ़ के ही शायद आज फिर से लौट जाएंगे। हम लोग आज लास्ट दिन से बहुत दूर बैठे हुए हैं तो मौलाना साहब को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और थोड़ा मौलाना साहब का बातें भी सुन लीजिए आप। मैंने दुआ के आदाब के ज़हन में कहा था कि उम्मत को चाहिए, उम्मत को चाहिए
चाहिए कि नमाजों के बाद और नवा की इजाजत में हज करने वाले अगर हरम जाए तो हरम में, उम्रा करने वाले अगर मुंतसम तक पहुंच जाए तो मुंतसम में, नमाज से पहले मस्जिद पहुंच जाओ तो अजान के बाद और फर्ज नमाजों के बाद और तहज्जुद में उठो और उठने के बाद सबसे पहले उलेमाए उम्मत के लिए दुआएं करो, अल्लाह उनको अपनी शायान। अब शहर का नमाज हो गया, अब हम लोग निकालने वाले हैं, लेकिन ओमिक भाई जो है, ओमिक सर जो है वो रहेगा, तो हमारा जो अमीर है शफीक सर उनको कुछ बातें समझा रहे हैं। हम लोग सब जाने वाले हैं घर रिटर्न, लेकिन ओमिक सर आज रह जाएगा क्योंकि कल दुआ करके वो घर से यहाँ से जाएगा, इसलिए कुछ उनको बातें बता रहे हैं उनके साथ, और बाकी सब अब सोने का तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारे साथ राही सर का बेटा और इलियास सर का छोटा बेटा आया था, और सब मिलके अब हम जा रहे हैं, और कल हम दुआ में शामिल होने का इरादा रख के अब जा रहे हैं क्योंकि रात हो चुका है, और इसीलिए वीडियो अब ऐसा बनाना पड़ा। बहुत अच्छा लगा दुआ में अच्छा शामिल होके, और देख पा रहे हैं पूरा अंधेरा छा गया, और जिधर भी हम देखते हैं उधर ही बस गाड़ी, छोटा छोटा पलिथीन का कुछ तबू बना के जैसे होते हैं, तो उस तरह बना के लोग अब रात का सोने का इंतज़ाम कर रहा है। हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, और अभी लगभग रात 10:30 से ज़्यादा हो गया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये उम्मीद करके कि कल सुबह फजर के नमाज़ के बाद ही हम लोग आ जाएंगे। अब लोग दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.